अस्सलाम वालेकुम, इट्स माय एनिवर्सरी। 31st एनिवर्सरी का गिफ्ट यार, खाली था। नाइस, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको बहुत मुबारक हो आपकी 31st एनिवर्सरी। Good luck and God bless you. No words is there. And more words. कैसे गुजरा आपके 31 years? जैसे लगता है कर लो। That is always good. Okay. Now your gift. Thank you. Welcome. Good job. You like it? Thank you. Good. Tight कर लीजिए। आपके साथ ऐसे जैसे पता ही नहीं चले कैसे गुजर गए। इट वॉज वेरी ग्रेट टाइम स्पेंडिंग विद यू एंड एंड क्या बोलूं, आपके बगैर तो मेरी ऐसी जिंदगी है जैसे है ही। आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू। You are very loving and caring. I know we have two different personality and very different nature, but opposite always attracts. So we attracted to each other. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. 31 years been married. Allah ka shukr, alhamdulillah, bahut acha gudra. And always been good, inshallah, Allah taala aage bhi acha karega. Amen. Amen. Sab clapping kar do please. माशाल्लाह से इस एनिवर्सरी पे एक नया इजाफा हमारी फैमिली में आयत खान का, जो हमारे साथ शामिल हो गई हमारी एनिवर्सरी में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है 31st। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम थोड़ा सा तैयार होकर निकले हैं बाहर डिनर वगैरह करने के लिए, तो ताकि फील तो हो ना कि भाई एनिवर्सरी है। थोड़ी सी ग्रॉसरी थोड़ी सी करनी है वो भी कर लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग अच्छा सा डिनर कर लेंगे और बस हो गई एनिवर्सरी पूरी। तो अभी घर में हम लोग रेडी हुए तैयार हुए हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए हैं। ये देखिए, ये गिफ्ट मुझे मिला है अपनी एनिवर्सरी पे और मैंने अपने हस्बैंड को दिया है घड़ी वॉच। इनको बहुत पसंद आई थी तो बस मुझे पता था इनको ये पसंद आई है, तो फिर मैंने वही चीज़ ले ली जाकर जो इनको पसंद थी, क्योंकि किसी को कुछ दो तो फिर उसकी पसंद कर। तो बस ये हमारी छोटी सी एनिवर्सरी शुरू हुई है, बाकी हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे वो सब आपको मैं दिखाती जाऊँगी, अपने साथ लेके जाऊँगी और सब दिखाऊँगी। आज हमने बेगम को लेके जा रहा हूँ, आज हमारी 31 एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा बच्चों के साथ। कैसे गुजरे आपके 31 ईयर्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विद मी। जी, आपके बगैर तो आप जी नहीं सकते ना। ओहो, आपके साथ तो जिंदगानी है। आप हैं तो हम हैं, तो हम नहीं। आप हैं तो सारी कहानी है, ड्रामा है। आपको अपडेट करते रहेंगे, अब हम निकलने के लिए और जो आगे जाएंगे। ओके, तो अब हम आपको आगे फिर पहुंच के बताते हैं और क्या किया। अभी हम ज़रा अच्छे से गाने लगा के सुनते हैं। बस अभी हम रास्ते में, अभी एक घंटा में लगेगा। और सूरज देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, सूरज कितना तेज़ निकला हुआ आज। बहुत प्यारा दिन है, बड़ी मुश्किल से यहाँ धूप निकलती है और आज धूप निकली हुई है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है धूप में निकलना, मज़ा भी आ रहा है। वरना तो ठंड होती है, बारिश होती है, तो फिर बिल्कुल अजीब सा दिन होता है। आज बहुत प्यारा दिन है, खुला खुला है, बादल नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखें कैसे तेज़ रोशनी पड़ रही है सूरज की। ये मेहंदी देखें, ये तैयारी हमारी एनिवर्सरी की, मेरी बहू ने लगाई है मेहंदी। बहुत प्यारी मेहंदी लगानी आती है उसको। ये देखें, दूसरे हाथ में भी लगाई है, ये दूसरे हाथ में भी लगाई है। तो बस ये क्या, इस एनिवर्सरी में हमारी मेहंदी भी लग गई। तो पूरी तैयारी है और ये फूल भी लगा लिया मैंने। मैचिंग का मेरे पास रखा हुआ ना, तो मैंने ये भी लगा लिया और बस हम दोनों मैचिंग मैचिंग हुए हैं। देखें, अपने हस्बैंड की शर्ट भी लेकर आई येलो कलर की, तो ताकि हम दोनों मैच हो जाएं।
अच्छे कपड़े पहने, तो बस बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजर रहा है। अभी तक तो शुरुआत है, देखते हैं रात तक क्या होता है। चलें जी, अब हम लोग आ गए पटेल। हमने कहा यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर लें, जब इतनी दूर आते हैं तो 1.5 घंटे का राइड है, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमने छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं। मैंने कहा जब तक फिर थोड़ी रात भी हो जाएगी, फिर डिनर करना चाहिए ना, अभी तो बहुत जल्दी है। ग्रॉसरी हो गई सारी और बस सब रख रहे हैं, फिर पेमेंट करेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का काम हो गया, ये सारा सामान लेके आ गए, अब सब गाड़ी में रख रहे हैं। ये सारी ग्रॉसरी हो गई हमारी, सब्ज़ी वगैरह की, पटेल की। काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी करी है इस दफ़ा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आए थे। देखिए मैं रेडी हूँ अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, और सबसे पहले घर की ग्रॉसरी करी हमने। घर की ग्रॉसरी ख़त्म हो जाए तो फिर कहीं जाएं। सूरज कैसा निकला था? चलो मैं तो चल के बैठती हूँ, कि लोग सामान रखेंगे, मैं जाके बैठ जाती हूँ गाड़ी में। मैं तो बैठ गई भाई, अभी सामान रख के आएंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये अब हम बर्लिंगटन आए हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए थोड़ी बहुत, साथ ही टीजे मैक्स है, सारी बड़े बड़े जो हैं शॉप्स वगैरह सब इधर ही हैं। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये शिव साहब अभी गाड़ी से उतरे हैं, और बस ये मैं और ये बर्लिंगटन। अभी अंदर जाके देखते हैं, अगर कुछ समझ आए तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सूरज कैसा अब ताप के साथ चमक रहा है। अबे अंदर ये रहा बर्लिंगटन, ये रहा। बस फिर थोड़ी बच्चों की, ये थोड़ी अपनी समर की शॉपिंग की हमने वहाँ से। देखा अब हमारी शॉपिंग हो गई, अब हम निकल आए बाहर, और ग्रॉसरी शॉपिंग, देन विंडो शॉपिंग, एंड नाउ समथिंग टू ईट। अब डिनर करने जाएंगे। सूरज देखें अभी तक है माशाल्लाह, इतना अच्छा दिन है। बस हम पार्किंग में वेट कर रहे हैं उमर का, कि उमर अपनी दूसरी गाड़ी में आ रहा था, तो हम पार्किंग पे वेट कर रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे। काफ़ी अच्छी जगह थी और उमर ने रिकमेंड किया था ये जगह, तो बस फिर हम लोग आ रहे हैं। ये 1947 पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ये रेस्टोरेंट बनाया है, तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे। बाहर भी बड़ा अच्छा सेटिंग देखें, ये अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने का, लेकिन हम तो फिर अंदर ही गए, क्योंकि बाहर थोड़ी हवा वगैरह चल रही थी, हमने कहा अंदर ही जाके खाते हैं। और ये देखें आप रेस्टोरेंट कितना प्यारा, खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई, और यहाँ पे फिर हम लोग बैठे। ये हमें उन्होंने दी सीट, फिर ये शेफ साहब देख रहे हैं मेन्यू कि क्या मंगाना चाहिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, डिनर करने। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है 1947, तो यहाँ से हम कुछ डिनर वगैरह करने आए हैं अपनी एनिवर्सरी का। और हमारे साथ हमारे कैमरामैन साहब, ये कैमरामैन। बस अब यहाँ से खाना वाना खाते हैं, जब आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने ऑर्डर किया था, जब आएगा तो मैं दिखाती हूँ क्या चीज़ें हमने खाई। बस पहले तो मैंने गोलगप्पे मंगवाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो पहले गोलगप्पे मंगाए, और शुएब साहब के लिए फ़िश पकौड़ा मंगाए गए, कि चलो ये पहले हम शुरू करते हैं जब तक हमारा ऑर्डर आएगा। तो अब मैं ये खा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से है कि आप इसको मुंह में डालें गोलगप्पे को, और ऊपर से अपना ये शॉट पी लें। तो यहाँ पे ये तरीका है गोलगप्पे खाने का, तो फिर मैं उसी तरीके से खा रही हूँ, और बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ा आया खाकर। फिश पकौड़ा, माय फ्रेंड,
इस एरिया में देसी बहुत रहता है, मैंने बहुत मिल जाते हैं, पटेल भी है, पीपीए भी है, रेस्टोरेंट भी है, बहुत देसी। फिर हमारा खाना आ गया, तंदूरी चिकन मंगाई हमने, शेज़वान नूडल मंगाए और हमने मंगाए दाल गोश्त मंगाया। ये सारी चीज़ें मंगाई हमने, मैंने तो नूडल्स ही खाए, मुझे तो वही मज़े के लगे बहुत, मैंने इंजॉय किए नूडल्स। उसके बाद आखिर में हमने फालूदा भी मंगाया, भाई स्वीट डिश भी तो होनी चाहिए, तो ये हमने स्वीट डिश मंगाई। वहाँ पे फिर गाने चल रहे थे तो मैं गाने भी इंजॉय कर रही थी, बैठी हुई खा पी कर भी थोड़ा सा इंजॉय किया हमने गानों को। उमर भी फालूदा इंजॉय कर रहा है, मज़े का फालूदा था। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करा, उमर हमारा कैमरामैन था, वो हमारे साथ गए इसीलिए था, तो बस थोड़े पोज बनाए, थोड़ी फ़ोटोज़ ली, थोड़ी वीडियोज़ बनाई, बड़ा इंजॉय किया। चलो ओके बाय करना। ये देखें चांद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, रास्ते में पूरे मैं देखती भी गई। हम घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, गाड़ी में गैस चलवा रहे हैं और बस 5 मिनट दूर हमारा घर है, गैस जला के बस घर जाएंगे, थक गए। काफ़ी लंबा रास्ता है ना, 1.5 घंटे का जाने का, 1.5 घंटे का आने का, बस अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, अपनी शहज़ादी से मिलेंगे जाकर। मैं तो इतनी थोड़ी देर में भी उसको याद करने लगती हूँ। तो अگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔